नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में स्वागत है। आज हम अक्टूबर 2023 का सिंह राशि का राशिफल, उसकी ग्रह चाल, उसके क्या उसकी चैलेंजेस हैं, क्या उसके उपाय हैं और क्या गोचर स्थिति है और कैसे जो है हम कहते हैं ना रीडिंग बियॉन्ड द हॉरोस्कोप, कि हॉरोस्कोप में तो सब पढ़ सकते हैं, हॉरोस्कोप के अंदर जो है उस पर जो जाना, उसके जो गूढ़ रहस्यों को पहचानना, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंह राशि लियो एक बड़ी ज़बरदस्त राशि है, राजाओं की राशि है, शेर इसका साइन है, इनमें बहुत ज़बरदस्त साहस और पराक्रम होता है, मगर कई समय से भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है और ये काफ़ी इसमें क्या है कि कितने भी इनमें चैलेंजेस आए मगर ये कभी हार नहीं मानते हैं। तो फिर भी क्या है कि अभी ग्रह गोचर के कारण अभी इनके भाग्य स्थान पे गुरु भगवान और राहु का गुरु चांडाल योग बना हुआ है और इसलिए इन पे जो है काफ़ी समय से इन पे जो है इनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो लेवल पे है। इनको बिजनेस में दिक्कत है, इनको पारिवारिक समस्याएं, हेल्थ की रिलेशंस काफ़ी दिक्कत हैं, नौकरी में भी दिक्कत है। ये सब जो है अब कुछ ही समय की बात है, अब अक्टूबर से आप देखेंगे आपके जीवन में गुरु भगवान एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि जब भी गुरु आपको कुछ देना चाहते हैं वो कुछ बहुत बड़ा ही देंगे। अब इसमें पूछ सकते हैं गुरु भगवान कौन है, गुरु भगवान स्वयं भगवान बृहस्पति जुपिटर हैं, ये देंगे आपकी लाइफ में जो भी आपने जो कुछ भी खोया है वो आप पाएंगे। आपने रिश्ता, जॉब, पैसा या अन्य जो भी मान सम्मान या पॉलिटिक्स में अगर आपने कुछ पाया है, खोया है, वो खोया जो है वो भी आप वापस पाएंगे। अक्टूबर से अब आपके समय में जो आपके जीवन में एक यू टर्न आने वाला है, बहुत बड़ा यू टर्न, और इसमें बहुत लोग मेरे से हो सकता है वाकिफ ना रखें, वो कहें कि ये अभी तक हमारा कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल फॉलो करो, इग्नोर योर करंट रियलिटी एंड एक्सेप्ट द फ्यूचर विथ अ पॉजिटिव माइंड। ऐसे में क्या है कि अब ग्रह गोचर की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन भाव पर जो है तीन ग्रहों का योग बना हुआ है, बड़े शानदार ग्रह योग बना हुआ है, सूर्य, बुध और मंगल। देखिए, सूर्य स्वयं, साथ में बुध राजकुमार और मंगल साहस का, बड़ा शानदार योग है। तीसरे भाव में केतु है, साथ में उसके बाद जो है शनि भगवान सातवें भाव पर, जो आपके कैरियर के भी स्वामी हैं। सबसे शानदार योग जो है वो आपके भाग्यस्थान नाइन्थ हाउस पर, जहाँ की गुरु भगवान और राहु का, अभी राहु भगवान 30 अक्टूबर को गोचर परिवर्तन करेंगे जिससे कि आपको और अधिक लाभ मिलेगा। बारहवें भाव पर शुक्र, शुक्र बारहवें भाव पर है कर्क राशि का, तो ये जो है गृह स्थिति आपको मैंने बता दी है। साथ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा अभी कि अभी मैं एक फीलिंग स्टक, आई एम फीलिंग स्टक, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है, मेरे नौकरी में भी मेरे को जो मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, मेरे सारे जो है रुके हुए काम जो है अभी तक कोई नहीं हो रहे हैं। तो मगर गुरु भगवान के द्वारा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं हॉरोस्कोप को मैंने कई लोगों का देखा है, सिंह राशि का भी, देखिए चार ग्रह ऐसे होते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं, राहु केतु और शनि और गुरु। इसमें से ऐसा है कि अभी फिलहाल आपके गुरु भगवान बहुत ही वेल प्लेस्ड होने वाले हैं, अक्टूबर में आपको बड़ा लाभ देंगे। देखिए ग्यारहवें भाव कुंभ राशि का शनि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है कैरियर पे, शुक्र स्वयं जो है बारहवें भाव पर जो है गोचर कर रहे हैं, डोडो बारहवा भाव पैसों का है, मगर उस पर आप जो आपके यहाँ पैसे आ रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस विल टर्न इनटू प्रॉफिट। तो ऐसे में क्या है कि आपके पंचमेश जो हैं वो हैं गुरु भगवान और गुरु भगवान स्वयं आपके डेस्टिनी भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये जो समय आपका आने वाला है, कई समय के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है, स्पेशली थ्रू दी प्लैनेट गुरु, और ऐसे में आपको जो है एक बड़ा पॉजिटिव और एक रिवॉर्डिंग टाइम आपके लिए आ रहा है।
खासकर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है। जो हमारे बिजनेस में हैं, जो हु आर डूइंग बिजनेस, उनको जो है काफ़ी समय बाद उनको अपने बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। जो हमारे नौकरी कर रहे हैं उनको देखेंगे, उनको नौकरियों में भी पदोन्नति होगी एंड सर्टन पॉजिटिव चेंजेस, न्यू एवेन्यूज खुलने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि ये आपके लिए, देखिए ये अक्टूबर का महीना, देखिए वैसे ही बड़ा शानदार महीना है। 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक देखिए पितृपक्ष, पितृपक्ष जो है एक तरह का गलत लोगों ने एक मैसेज दे रखा है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं होते। इसमें ऐसा है, जितना पूजा पाठ, जितना दान, कितनी भी आप शुभ कार्य करेंगे ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। और पितृ हमारे एक ही साल में एक बार हमारे पास आते हैं और आपको जो है आपको आशीर्वाद और वरदान देने आते हैं। और साथ ही इसमें देखिए जैसे ही 14 तारीख खत्म होगी, देखिए 15 से मातृ सप्ताह, मातृ जागृति का वो शुरू हो जाएगा पूरे 9 दिन के लिए, जब 15 से लेके हमारे माता का नवरात्रि का शुभ शुरू हो जाएगा। उन दिनें जब जहाँ भी आप देखेंगे तो जय माता दी आपको नज़र आएगा। ऐसे में जो है इन दिनों में जो आपको माता की पूजन, माता के बीज मंत्र, माता के व्रत, माता के नियम जब आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में लाभ ही लाभ हैं। ये भी गुरु भगवान, देखिए गुरु भगवान, शिव भगवान भी जो है माता पराशक्ति के आगे अधीन हैं। और ऐसे में ये जो है बड़ा ही शानदार समय है। आपको हम ये बताना चाहते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इस अक्टूबर में बहुत ही इतने सारे शुभ घटनाएं हैं जिसका मैं बताते मेरे पास शायद समय ना रहे। मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है जो भारत में नज़र नहीं आएगा। उसके बाद जो है 15 अक्टूबर से माता का 9 दिन का योग शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए राम दशहरा आएगा जहाँ की भगवान राम जी का और सूर्य भगवान का खास दिन है। साथ में 28 अक्टूबर को बड़ा विशेष दिन चंद्र ग्रहण आ रहा है। चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, चंद्र ग्रहण के भी कई भ्रांतियां हैं, इस पर मैं अलग एक वीडियो बाद में लाऊंगा कि इसके क्या उपाय हैं और शानदार इस समय को कैसे लाभ उठाया जाए। 30 अक्टूबर को बहुत ही महान 15-18 महीने का एक बहुत ही खास गोचर राहु और केतु का हो रहा है जो कि एंटायर जो हमारे पृथ्वी को और हमारे जीवन को बदल देगा, वो है राहु और केतु का गोचर। तो ये इन सारे इतनी शानदार अक्टूबर के 1 से 31 की जो महीने की जो घटनाएं हैं इसको जो है अगर हम इसको इस समय का लाभ ना उठाएं तो इसमें कमी हमारी है, भगवान की और माता की नहीं। ऐसे में फिर भी एक और मैं बताना चाहता हूँ, सम सप्तक योग, जबकि शुक्र और भगवान शनि का 180 डिग्री का होता है, बड़ा शानदार योग माना जाता है सन सप्तक योग। तो ये कई साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही आता है, ये भी इस समय बन रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा शानदार समय है। अब आपको मैं अक्टूबर के कुछ शुभ तारीख बता रहा हूँ जिन पे आप शुभ कार्य कर सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, डेट्स, अग्रीमेंट्स। ये है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10, 11, 12, 15, 16 ये शुभ तारीखें हैं। और जो रही नेगेटिव तारीखें या जिन दिनों आपको थोड़ा ध्यान रखना है वो है 8, 9, 18, 19, 26 और 27। तो इन दिनों पे आप केयरफुल रहेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए खास उपाय इनके लिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें, सूर्य को जल दें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें। साथ ही बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय, गाय को जो है चारा जरूर खिलाएं। और खासकर जो है इन पितरों के समय में आप किसी भी ब्राह्मण का या किसी भी निडी व्यक्ति को भोजन कराएं। आप जो है पक्षियों को जरूर जो है दाना सब साथ अनाज डालें, साथ में एक थोड़ा एक मुट्ठी जौ भी डालें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभ रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जो सिंह राशि और सिंह लगन वाले, ये अक्टूबर का महीना ये बड़ा परिवर्तन वाला महीना होने वाला है, इसका लाभ उठाएं। और मेरी आपको रिक्वेस्ट है आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको फिर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं पूरे इस अक्टूबर की और पूरे नवरात्रि की भी अब एडवांस में देता हूँ। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।